दीवान साहब वाले कबूतर ने जी प्योर बिल्कुल एक नंबर। अच्छा जी, जिन्होंने अज भी कहा जा सकता है कि खालस ने। सही, असल जिहड़े दीवान साहब वाले कबूतर ने ना जी, वो दूरों फिरदे इस तरह ही लगणगे कि कालियां अखां दे ने, लेकिन जो नजदीक करके देखोगे तो यार तुसी वाजिया देख रहे हो कि इन्हां दी अखां च डोरे जर्रे जर्रे हर चीज नजर आएगी वाजिया। अच्छा, हुण इन्हां दे विच सब तो ज्यादा दीवान साहब वालियां दे विच जो खूबसूरती है ना जी, वो ए चीज है, देख रहे हो। आया तो हुण इहदे थोड़े जे नखन मैं खुद कट्टे ने अगो, बहुत ज्यादा लंबे हो गए, इस तो भी ज्यादा लंबे हो चुके सी। अच्छा, मैं खुद कटे ने अगो नाखन कटर नाल ना। अच्छा जी, ये मकसद चलिया नहीं जांदा, इनां दी खूबसूरती है कि इनां दे नाखन लंबे हुंदे, नाखन बहुत लंबे हुंदे। ए बिल्कुल हले ना जी, तुसी इवें समझो कि 1% है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका अपना भाई आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम कबूतर परवर भाई बाखैरियत से होंगे। दोस्तों आज इंशाल्लाह एक इंतहाई म्यारी शौक करवाने लगा हूँ मैं आपको। जैद भाई हमारे बड़े प्यारे भाई पाक पतन से, जिनके पास कम से कम 30 से 35 साल पुराने कबूतर मौजूद हैं, और वो भी बड़े VIP नामवर उस्तासा इकराब के पीर दवान पाक पतन वाले, और बाबा जान जो कि इंडिया से पाकिस्तान हिजरत करके आया था, उनके कबूतरों का शौक है, क्रास हैं। और दोस्तों पूरी वीडियो एंड तक देखिए। दोस्तों इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो को बआसानी देख सकें। जी दोस्तों, ये जैद भाई की छत का व्यू है। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई। वालेकुम अस्सलाम। जैद भाई क्या हाल है? ठीक ठाक ठीक ठाक अरफान भाई। जैद भाई माशाल्लाह, थोड़ा जेडे दोस्त थानू वेखणगे थोड़ा जे अपना तारफ करवा देना कि कित्थों बिलोंग करदे हो। मैं सर पाक पतन तो बिलोंग करना जी। जी तकरीबन काफी अरसे तो ये शॉप दे विच है। अच्छा माशाल्लाह, कितना अरसा हो गया जी? जैद तकरीबन 30 साल हो गए ने। 30 साल शॉप नु जेड़ा मैं जिंदा रखे हुआ है। चलो अल्लाह साहब दा शौक है तो उनु मैं आगे बढ़ाया। चलो माशाल्लाह। जैद भाई पाक पतन तुसी हुण तां जहरी गल जॉब दे सिलसिले दे विच अदर सिटी हो। हां जी। ते पाक पतन तुसी किन्ना नाल मिल के शौक करदे हो? पाक पतन उत्थे कप उड़दे ने जी। जी ते उस्ताद साहब दी जेड़ा है ओ सरप्रस्ती करदे ने साडी। उस्ताद सर केड़े? बिहाड़ी दे ने, चौधरी अब्बास साहब जी। माशाल्लाह, मेरे उस्ताद ने, उन्हां दी जेरे सरप्रस्ती जेड़ा है शौक कीती दा। बाकी उत्थों दे कप वगैरह उड़दे ने, उन्हां च असी एंट्री वगैरह करवाई दी। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕੱਪ ਸ਼ਪ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਠਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪ, 3-4 ਕੱਪ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿਨ ਕਬੂਤਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਨਸਲ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਦੀਵਾਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੱਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨਸਲ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। अच्छा, वही नस्ल चली आ रही है? वही नस्ल चली आ रही है। तुम शौक भी कराने हैं, 2-3-4 जोड़िया का जो मैं इतने लैके आया अपने को जी। जी रखे हुए ने इतने जो कीमती जोड़े ने माशाल्लाह, इतने लैके आया, उन्होंने तुम शौक भी करवाने। अख च काले जर्रे होंगे, दूरों काल अख जी है ना वो काली लगेगी, जो तो नज़दीक पकड़ के देखोगे तो इस तरह नज़र आएगी। अच्छा जी माशाल्लाह जी। दूसरी अख दिखा दे। अच्छा जैद भाई, तुम ये दीवान साहब वाले कबूतर की ऐसी चीज़ पाई है कि जरा उन्होंने फैन हो या ये लाए लाई फिर हो? इन्हों की सियान जी है ना जी, वो बंदे तरह ही है, इस तरह समझ लो। अच्छा, कि जड़ी जगह तो उड़ते ना जी, अगर एक कमरे के बंद भी ने ना, तो कभी गलती दे नाल कोई बच्चा निकल गया तो वह बच्चा जोड़ा वो सीधा घर ही आएगा, भावें 5 दिन रुले 6 दिन रुले, रुल के वह घर आ जाएगा जी। दोस्तों पार कतरे हुए जी, सही दोम का सर शौक बना जी। दोस्तों आ कबूतर दे पंजे जी। जी दोस्तों माशाल्लाह, कबूतर दी चाल डाल वेखो जी, जी ये मादा है माशाल्लाह जी। जी दोस्तों मादा दा शौक करने जी, आख दा शौक रहन सर। जी दोस्तों माशाल्लाह, मादा दी आख चेक करो जी। अच्छा जद भाई, एक ही पर दे ने? हां जी जी
ਜ਼ੈਦ ਬਾਈ ਵੈਸੇ ਆਹ ਫਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਬਸ ਫਿਰ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਸ ਜੋੜੇ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, 30 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲਾ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੈਦ ਬਾਈ, ਹੁਣ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਂਡੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ? ਹਾਂਜੀ, ਆਂਡੇ ਵੀ ਉਤਾਰਦੇ, ਬੋਤੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਬੂਤਰ 30 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ, 30 ਸਾਲਾ ਕਬੂਤਰ, ਅੰਡੇ ਵੀ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੁੱਤ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਧਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਗ੍ਰੇਨ ਸਨ ਦੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸਨ? ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ ਜਾਨ, ਤੋ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਚਲੇਗਾ ਵਾਪਸ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ, ਦੋਤਰੇ ਪੋਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹੀਵਾਲ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜ਼ੈਦ ਬਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜੇ ਦੁਆਨ ਪੀਰ ਦੁਆਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਏਜ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 7 ਸਾਲ ਜੀ। 7 ਸਾਲ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਾਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਪੱਠਾ ਪੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਏਜ ਹੋਗੀ ਬਈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਜੀ। 22-23, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਬੂਤਰ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜ਼ੈਦ ਬਾਈ ਦੇ ਕੋਲ 30-30 ਸਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਮਾਦੀ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਾਨ ਸੀਰੇ ਜੀ। ਜ਼ੈਦ ਬਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪਸ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜੋੜਾ? ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਹਨ? ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅ ਫਲਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬਾਈ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਲੋਅ ਫਲਾਇਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਅੱਛਾ, ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਕਬੂਤਰ ਹਨ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੀ ਟੇਲ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਸਹੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਦੋ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਲਏ ਜ਼ੈਦ ਬਾਈ, 4 ਜੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਜਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੂਤਰ ਨਾ ਜੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਜ਼ੈਦ ਬਾਈ, ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।
क्योंकि लोग उड़न वाले इस टाइम ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ब्रीडिंग जो लोग कट करवा रहे हैं। अच्छा जी, लोग कहते बस उड़न वाला जी, क्योंकि लोगों ने शौक करने होंगे ने कपां छप्पां च, इस वजह तो जी। अच्छा जैद भाई, इन्हों की वापसियां का की सीन है? वापसियां इन्हों के बहुत ज़्यादा ने जी, दीवान साहब वाले कबूतर ने जी प्योर बिल्कुल एक नंबर। अच्छा जी, जिन्हां नूं अज भी कहा जा सकदा कि खालस ने। सही, तो जिहड़ा इस तों पहला तुसीं जिहड़ा 30 साल जोड़ा सी ओ इन्हां दा मां प्यो ही है जी। अच्छा, इन्हां दा मां प्यो, इन्हां दा मां प्यो ही है। अच्छा, इह पट्ठे पट्ठे जिहड़े जी, इह पट्ठे पट्ठियां ने जी, इह उहनां तों वी अग्गे बहुत अच्छे बणे होए। अच्छा, इह उहनां तों वी अग्गे बण गए। हाँ जी, जबरदस्त जी। अच्छा जैद भाई, इह वी काली अख जी महसूस हो रही है? हाँ जी, ये असल जिहड़े दीवान साहब वाले कबूतर ने ना जी, वो दूरों फिरदे इस तरह ही लगणगे कि कालियां अखां दे ने, लेकिन जदों नज़दीक करके देखोगे तो आ तुसीं वाज़े देख रहे हो कि इन्हां दीआं अखां च डोरे जर्रे जर्रे हर चीज़ नज़र आएगी वाज़े। टेल चेक करो बंदी जी, जबरदस्त। अच्छा, हुण इन्हां दे विच सब तो ज़्यादा दीवान साहब वालियां दे विच जो खूबसूरती है ना जी, वो है चीज़ है, देख रहे हो आया तो हुण इन्हें थोड़े जे नखन मैं खुद कट्टे ने अगों, वो ज़्यादा लंबे हो गए, इस तो भी ज़्यादा लंबे हो चुके सी। अच्छा, मैं खुद कट्टे ने अगों नाखन कटर नाल ना। अच्छा जी, ये बक्सा चलिया नहीं जांदा, इनां दी खूबसूरती है कि इनां दे नाखन लंबे होंदे, नाखन बहुत लंबे होंदे, ए बिल्कुल हले ना जी, तुसी इवें समझो कि 1% है। अच्छा, 1% है। हाँ जी, बहुत लंबे हो जांदे ने इनां दे नाखन, दीवान साहब वाले कबूतरां दी ये निशानी है। ये मादा है जी, नर दा भी तुहानूं शौक करवाने आ जिहड़ा इहदे नाल है जी। जी जाद भाई, हाय जबरदस्त। अच्छा, ये जोड़ा लगे हुए? हाँ जी, ये जोड़ा इस तरह लगे हुए। डिटेल है जी, जबरदस्त। अच्छा, इन्हां दे भी कट्टे हुए ने? हाँ जी, ये भी मैं कट्टे हुए ने अगो, आ देख रहे हो आ कट्टे हुए ने मैं अगो खुद। अच्छा, नाखन कटर दे नाल, क्योंकि नर इहनू जोड़े होण च बड़ा मसला बनता है, चलिया नहीं जांदा। जिन्हां दे वड्डे होण जोड़े मसला बन जांदा। हाँ जी, चलिया नहीं जांदा उहनां कोल। सही, माशाल्लाह।